हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूनी रसोई। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे टिंडा। टिंडा को मैंने लंबाई में काट के लिया है, आप चाहो जिस शेप में काट सकते हो। लंबाई में काटने से सब्जी हमारी वो दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी। और ढक के हम इन्हें 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे, बीच बीच में इन्हें चलाते भी रहेंगे। पूरा हमें टिंडा को नहीं पकाना है, थोड़ी सी कसर रहेगी तब हमें निकाल लेंगे, बाकी का हम ग्रेवी में पका लेंगे। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड कर रही हूँ मैं, जीरा डाल देंगे। प्याज को पीस के ले लिया है मैंने, आप चाहो तो प्याज को बारीक काट के भी ले सकते हैं। लो फ्लेम पे हम प्याज को भून लेंगे। प्याज भून रही है तब तक हम टिंडे को मैरिनेट कर लेते हैं। मसाले ऐड कर देंगे इसमें, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। फेटा हुआ दही है ये डाल दूंगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए और ढक के साइड में रख देंगे। तब तक हम अपनी करी तैयार कर लेते हैं। प्याज भुन गई है ये देखिए। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं बेसन। 1.5 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और लो फ्लेम पे हम इन्हें भून लेंगे। फ्लेम हमें नहीं बढ़ानी है, नहीं तो बेसन है वो नीचे चिपक जाता है। लो फ्लेम पे हमें बेसन को भी भून लेना है। टमाटर को पीस के ले लिया है मैंने, आप चाहो तो कद्दूकस करके भी टमाटर को ले सकते हैं। और मसाले ऐड कर देंगे इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। मसाले भी हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन करते टाइम भी डाल दिया है टिंडे में, तो यहाँ पर भी हमें मसाले थोड़े से हिसाब से डालने हैं। अच्छे से मसालों को हम मिक्स कर देंगे और ढक के इन्हें हम पका लेंगे। बीच बीच में हम मसालों को चलाते भी रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। और लगभग 15 से 17 मिनट के करीब हो गए हैं हमारे मसाले को पकने में, इतना टाइम लग गया है, इतने में हमारे टिंडे मैरिनेट हो गए हैं। और टिंडे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम अपनी मतलब हमें जितनी सब्जी पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को बनाने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ही आसानी से हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार और थोड़े से अलग स्वाद में हमने बनाई है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना आपको कैसी लगी मेरी ये नए अंदाज़ में टिंडे की सब्जी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सर्व कर लेते हैं हम सब्जी को और थोड़ी धनिया पत्ती से सजा देंगे।